आज हम बनाएंगे क्लस्टर बीन्स यानी कि ग्वार की फली, जिसे मराठी में हम गवार या शेंगा भी बोलते हैं। ये सब्जी अपने आप में ही इतनी टेस्टी होती है कि इसको आप वैरायटी स्टाइल में बना सकते हैं। हर बार एक नई वैरायटी की सब्जी आप बना सकते हैं। आज मैंने ऐसी सब्जी बनाई है प्याज और पीनट्स के साथ। तो जो बच्चे सब्जियां खाने से कतराते हैं उनको भी ये पसंद आएगी सब्जी, इतनी टेस्टी लगती है। तो सब्जी को देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ग्वार की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। मीडियम फ्लेम पे मैंने गैस को रखा है यहाँ पे, और मीडियम फ्लेम पे ही हम बनाएंगे। डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। राई को अच्छे से क्रैकल करना है ऑयल में। अब डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे प्याज मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ का लिया है तो उस प्याज को मैंने डाल दिया है। क्रश्ड गार्लिक भी हमने डाला है, एक बल्ब मीडियम साइज का मैंने गार्लिक लिया है जिसको मैंने दर दरा सा कूट लिया था, क्योंकि इसमें पेस्ट नहीं चाहिए, दर दरा कूटा हुआ गार्लिक ही अच्छा लगता है। दोनों को ऑयल में अच्छे से भून लेना है और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भूनना है। ये देखिए हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज और लहसुन। अब उसमें डाल देंगे क्लस्टर बीन्स। इसको मैंने तोड़कर धो कर लिया है। और क्लस्टर बीन्स डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में, इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये सब्जी खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। चलिए अब हम इसमें ड्राई गरम मसाले डालते हैं, जैसे कि टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, डाल देंगे रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। गरम मसाला डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डालें। अब डाल देंगे होममेड गरम मसाला, ये यूजुअली घर घर में बनता है और हर किसी का तरीका अलग होता है बनाने का, लेकिन वो गरम मसाला भी इस सब्ज़ी में अच्छा लगता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऑयल में इनको भी भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। तब मसालों की खुशबू जो है बहुत अच्छी आने लगती है, लेकिन भुनना बहुत ज़रूरी है। 3-4 मिनट भुनने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसको कवर करके रखेंगे, एक भाप आने देंगे इसको। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और भाप आ चुके हैं, तो देखिए क्लस्टर बीन्स हल्के से पक चुके हैं। ये ज़्यादा नहीं पकते हैं भाप पर, क्योंकि इसमें भी वैरायटी आती है। एक वैरायटी जो आती है जिसको पानी में पकाना पड़ता है, दूसरी वैरायटी भाप पर पकती है। अब डाल दूंगी जैगरी, 1/4 टीस्पून डाला है, और जैगरी यहाँ पे ऑप्शनल है, थोड़ी सी मिठास अच्छी लगती है इस सब्ज़ी में तो मैं डाल रही हूँ। अब डाल देंगे रोस्टेड पीनट पाउडर। मैंने पीनट्स को यानी कि मूंगफली को अच्छे से भून लिया है और उसका बारीक पाउडर बना के रखा था, तो इस पाउडर को मैं डाल रही हूँ। आधा कटोरी पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं मेंबर्स के अनुसार। आप इस पाउडर को कम या ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अगर कम मेंबर हो तो कम सब्ज़ी बनानी तो कम डालें, ज़्यादा मेंबर हो तो थोड़ी सी ज़्यादा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मूँगफली पाउडर डालने के बाद इसको पकाने के लिए हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। अब डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गावरान वैरायटी जो आती है वो थोड़ा सा पानी डालकर पकानी पड़ती है, तो ये गावरान है क्लस्टर बीन्स। अब इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी और पानी जो डाला था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें सूखी सब्ज़ी बनानी है तो हमने 1/4 कप ही पानी डाला था। अब ये पानी सूख चुका है और ये ग्वार की फली जो है वो अच्छे से पक चुकी है। इसमें बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग सब्जी बन चुकी है। मैं एक फली तोड़कर भी दिखा देती हूँ आपको, और देखिए ये आसानी से टूट भी रही है। तो अब ये सब्जी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे सर्विंग कढ़ाई में।
और ये गर्मा गर्म सब्जी रोटी और पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। जो बच्चे या फिर जो लोग ग्वार खाना पसंद नहीं करते वो भी इस तरीके की सब्जी आराम से खाएंगे। गार्निश कर दिया कोरिएंडर लीव्स के साथ और देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ, टेम्प्टिंग टेस्टी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। मात्र 15 मिनट का समय लगता है, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है ये। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय।